नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752384455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस ना देखे हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे रखे हैं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, ये एक नॉवेल है, उपन्यास। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरी में इसको चुना गया है, इस पुस्तक को, नॉवेल को। 2018 में लिखा गया एक नॉवेल है इनका, अनुराधा रॉय का, तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है तुमड़ी के शब्द, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए अभी जब ये लिस्ट पूरी आ जाएगी साहित्य अकादमी अवार्ड्स की तो वहाँ पे भी तब आप इसको जो है और डिटेल में देख लीजिएगा किस कैटेगरी में किसको क्या मिला। फिलहाल यहाँ पे जो ये तुमड़ी के शब्द हैं, ये बद्री नारायण जो है ये इसके लेखक हैं। आगे देखें कि भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा, ठीक है। टेबल टेनिस का गेम जो होता है तो उसका एक ये आयोजन है, इसका आयोजन 27 फरवरी से 5 मार्च तक होगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड भी आप ध्यान रखें, 2023 तक गोवा में होगा, ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है ये बताना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे, जस्टिस ये हेमंत गुप्ता, डी विकल्प में जो है, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इसका एस्टेब्लिशमेंट मेन पर्पज इसलिए किया गया था कि इसको एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप किया जाए, जो इंस्टीट्यूशनलाइज आर्बिट्रेशन होते हैं, है ना, उसके पर्पज के लिए। तो डी विकल्प को चुनेंगे। 23 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में डांस टू डी कार्बनाइज, है ना, ये टाइटल से एक इवेंट जो है यानी कि विशेष संगीत कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया गया, तो किस मंत्रालय ने किया ये बताना है। तो यहाँ पे इस टाइटल को भी ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो ये है नेट जीरो कार्बन एमिशन का हमारा लक्ष्य वर्ष 2070 तक, ठीक है, तो उसके जो हमारे स्टेप्स हैं और जो एम्स हैं उसको हाईलाइट करने के लिए इस मेनली इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, ठीक है, न्यू दिल्ली में नेशनल स्टेडियम जो है वहां पे। अब 23 दिसंबर 2022 को ही किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया योजना, इससे जुड़ी हुई समस्त सूचनाओं को जनता तक सुगमता से पहुंचाने के लिए खेलो इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किया? तो एक वेब पोर्टल है ऑनलाइन, यहाँ पे खेलो इंडिया स्कीम जो है इसके संबंध में जितने भी अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है उसके इजीली एक्सेसिबिलिटी के लिए अनुराग ठाकुर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इन्होंने इसको लॉन्च किया है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, किसान दिवस। तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है 23 दिसंबर को, ठीक, तो इस दिन को मनाते हैं। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक पुस्तक अभी हाल ही में जो है तैयार की गई है और प्रकाशित हुई है, तो पूछा जा रहा है कि भाई किसने इसको तैयार व प्रकाशित किया है, ठीक। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इन्होंने इस पुस्तक को जो है कंपाइल किया और पब्लिश किया और रिलीज किया है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने, ठीक, ध्यान रखेंगे। इंडिया द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें जो है डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हुई और इस तरीके के जो सोर्सेज हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। एयरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जो हमारी कह लीजिए इंडियन नेवी से संबंधित एयर फैसिलिटीज़ हैं उन सब के एक डिस्प्ले के रूप में इस हमारे एयरो शो को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो 14th एडिशन है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बेंगलोर कर्नाटक में। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अनाउंस किया था, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न है कि क्या ये
वार्षिक रूप से होता है, द्विवार्षिक होता है कि त्रिवार्षिक होता है, ठीक है, ये जरा कमेंट करके बताइए। पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना कब की, ठीक है। तो जैसे आप रामायण को पढ़ते हैं तो उसी के क्रम में इसका एक तमिल वर्जन में सच्ची रामायण नामक से पुस्तक लिखी गई पेरियार के द्वारा, जिनको कि आप ईवी रामास्वामी के नाम से जानते हैं। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ा हो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या जो है द्रविड़ियन मूवमेंट ये साउथ इंडिया में, ठीक, तो वही है उन्होंने रचना की थी इसकी, ठीक। ये तो टाइम पीरियड कौन सा है, ये 1950 से पहले का ही है, तो ये 20वीं सदी हो जाएगी, ठीक, डी विकल्प। ऋग्वेद के किस मंडल में खेती प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, तो सबसे एंशियंट हमारा जो वेदा है ऋग्वेद है, आपको पता होगा, और इसमें अगर देखेंगे तो फार्मिंग प्रोसेस आपको मिलेगा चौथे मंडल में, और अनाज के रूप में कौन सा अनाज का उल्लेख मिलता है, तो वो है यव यानी कि जौ, ठीक। इस जितनी भी नदियां दी हुई हैं कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, ठीक। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे हिमालयन रेंजेस जितने भी हैं इसमें ये इंडस रिवर का जो है क्षेत्र है, और इससे संबंधित जो अन्य इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, वो यहाँ पे फ्लो होती हैं। तो अब इसमें से बी विकल्प जो है सिंधु, इसको चुनेंगे। किस पल्लव शासक ने मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था, तो शिव को समर्पित मंदिर ये जो कंस्ट्रक्ट किए गए यहाँ पे है कांची में तमिलनाडु में, ठीक, नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा, ये जो मुक्तेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर में भी है एक, ठीक है, वो उससे कलिंगा डायनेस्टी संबंधित है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे नंदी वर्मन करेक्ट होगा इसमें। आगे देखें सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, इसका हिंदी वर्जन है सामाजिक समरसता, तो ये मोदी जी की पुस्तक है, ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एग्जाम वॉरियर्स लिखी है इन्होंने, ज्योति पुंज एक पुस्तक है, कन्वीनियंट एक्शन करके एक पुस्तक है इनकी, है ना, इस सबके नाम ध्यान रखें। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ जो हैं कहाँ पर मिलती हैं ये बताना है। तो उत्तराखंड में आप देखेंगे जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर आप एक बार डिटेल में प्लीज़ देख लीजिएगा, जैसे विष्णुप्रयाग, फिर आगे बढ़ेंगे नंदप्रयाग, गढ़प्रयाग, रुद्रप्रयाग, है ना, तो उसी क्रम में फिर जब अगला देवप्रयाग आता है तो यहाँ पे आपको अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जो हैं ये मिलती हैं, फिर आगे जो जा करके गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक। तो इसमें हम जो चुनेंगे बी विकल्प को, ठीक। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये है आपका जो है इसमें हिमाचल प्रदेश में, इसमें सतलज नदी का भाग हो जाएगा, विकल्प डी। इसमें कुछ नदियों के नाम लिखे हैं और कौन सी जो है एशिया कॉन्टिनेंट से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखेंगे तो जो नाइजर है ये वेस्टर्न अफ्रीका का, है ना, ये यहाँ पे स्थित रिवर है, तो इसको हम और चूज करेंगे। इसमें देखें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है इस संदर्भ में कि कुछ कंट्रीज हैं उसके कैपिटल का नाम लिखा है, तो इथोपिया जो है यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये भाग है, लुसाका जो है ये गलत हो जाएगा, अदीस अबाबा करके जो है इसकी कैपिटल का नाम है, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिए। अब देखें अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है इसमें से, इनलैंड ड्रेनेज रिवर। तो देखिए ये एग्जांपल्स इनलैंड ड्रेनेज रिवर ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिनका जो कह लीजिए एंड जो है वो किसी ओशन या सी में नहीं हो रहा है, वो मतलब लैंड एरिया में ही कहीं मान लीजिए लेक में समाप्त हो जा रही हैं, या फिर लैंड लॉक कोई सी है इनलैंड सी उसमें समाप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम इन दिए हुए विकल्पों में देखेंगे तो घग्घर नदी जो है ना, ये देखते हैं आप राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है ना, हनुमानगढ़ जो उसके आसपास में यहाँ पे समाप्त हो जाती है, ठीक। तो इस वजह से बी विकल्प जो है हम इसको चुनेंगे। नेक्स्ट है कि दिए हुए राज्यों में से किस एक में नामचिक नाम फुक, है ना, ये एक कोल फील्ड है जिसकी स्थिति यहां पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थली जो क्षेत्र हैं उसमें पाई जाने वाली वनस्पतियां किस वर्ग में आती हैं, तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स ऐसे इसको हम रेफर करते हैं जो आप स्पेशली एरिड रीजन्स, है ना, यानी कि मरुस्थल और कुछ स्नो कवर्ड एरियाज जो हैं, है ना, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। आगे देखें कि कुल जनसंख्या के द्वारा विभाजित कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP की बात हो रही है, तो
टोटल आपकी जो पॉपुलेशन है इससे जीडीपी को अगर डिवाइड करते हैं तो अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसके रूप में इसे जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं आप ये पर कैपिटा इनकम। ठीक, ये इसी बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर कैपिटा, तो डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सा टाइगर रिजर्व सही ढंग से मेल खाता है यानी कि उसकी लोकेशन के हिसाब से, तो देखिए पक्के जो है अरुणाचल प्रदेश में है ये वाला ठीक है, औरंग जो है मणिपुर दिया हुआ गलत हो जाएगा, नामेरी भी गलत है क्योंकि देखिए औरंग असम में है, नामेरी भी असम से संबंधित है, वाल्मीकि बिहार से संबंधित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी FDI और FII है ना, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इकोनॉमी में उससे संबंधित हैं ये दोनों जो है, ये मतलब कौन सी समिति इनसे संबंधित है, तो 2014 के टाइम पीरियड में जो है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे अरविंद मायाराम है ना, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे इनसे संबंधित जो है सुझाव देने के लिए ये गठित किया गया था FDI और FII के संबंध में, तो हम जो है ए विकल्प को चुनेंगे इसमें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है, तो ये ध्यान रखेंगे ट्रेड के संबंध में अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जिसमें इनका लक्ष्य ये है ना कि $1 trillion की जो है इकोनॉमी बनाना है, तो उसी के दिशा में इसको अप्रूव किया गया है। हाल ही में लोसर पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया, तो ये जो है लद्दाख में मनाते हैं, अभी रिसेंटली जो है दिसंबर एंड में इसको मनाया गया है और बेसिकली एक प्रकार का ये लद्दाखीज का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। ठीक, आगे देखें कि विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की फोर्ब्स की जो एनुअल लिस्ट आती है तो उसमें टॉप 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो अभी जो है इसमें रिलीज़ की गई है लिस्ट, तो सबसे पहले स्थान पे तो जापान की वो है टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, और 12वें पोजीशन पे है पीवी सिंधु। ठीक, 25 में से। आगे देखें, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के लिए किसने जीता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड स्टार्ट किए गए दिन वर्ष 2018 में और अभी इस साल जो है इस एडिशन के लिए मिला है सुदीप सेन और शोभना कुमार है ना, इन दोनों को। इसमें से किस विद्युत कंपनी ने भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार भी हाल ही में जीता है, तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में एक टोटल एसेट्स के रूप में इनके पास सोने के लिए NHPC लिमिटेड जो है इसको मिला है। हाल ही में सैम करन जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, ठीक, क्रिकेट खिलाड़ी, तो IPL अब तक में जितना भी उसका इतिहास रहा है सबसे महंगे खिलाड़ी जो है बन गए हैं, तो अभी चूंकि 2023 के IPL जो है उसके ऑक्शंस हुए उसमें इस 18.50 करोड़ में इनको खरीदा है पंजाब की टीम ने, पंजाब किंग्स। हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो महिला फुटबॉलर हैं ये जो बेथ मीड विकल्प में इनको मिला है। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, तो इसमें देखिए दो फिल्में जो लिखी हुई हैं अपॉन एंट्री और गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। ठीक, तो ये गोल्डन विंग्स जो है ये बांग्लादेश की मूवी है और आपका जो ये है अपॉन एंट्री ये स्पेन से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों को दिया गया है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, सी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में किस देश ने एक नया ट्रांसजेंडर विधेयक पारित किया है जो किसी को भी जो कि 16 वर्ष और उससे अधिक आयु का है उसको अपना लिंग बदलने की अनुमति देता है, यानी कि 16 वर्ष तक के जो लोग हैं मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके बाद अब तक का उसका जो लीगली रिकॉर्डेड जेंडर है ना एज मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो उसको उनकी इच्छा के अनुसार अब वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के पर्पज से है ना चेंज कर सकते हैं है ना, तो ये पास किया है इसने आपका जो है स्पेन ने, तो थोड़ा डिटेल में भी इसको देखिएगा, इसमें ये एज ग्रुप जो है ये इंपॉर्टेंट है 16। दिसंबर 2022 में सत्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के आप ऊपर देखते हैं छोटा सा आइलैंड है फिजी, ठीक, वहां के चुने गए हैं प्रधानमंत्री सत्विनी राबुका।
आगे देखिए 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक फ्लोटिंग जेटी परियोजना का उद्घाटन और एक सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी, देखिए ये शुरू किया गया है इसको गोवा के अंदर पणजी में। फेरीज होती है ना जो लोगों के कम्युनिकेशन के लिए, एक बोट टाइप का होता है वो, उसको लॉन्च किया है। तो ये सोलर और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोड पे है, इससे पावर्ड है। बेसिकली इसमें जो ग्रीन शिपिंग का कॉन्सेप्ट है उसके लिए उसी की दिशा में लिया गया ये एक स्टेप है। उसी के संबंध में यहाँ पे जो ये फ्लोटिंग जेटी है और ये इलेक्ट्रिक फेरी, इसको लॉन्च किया है। थोड़ा इसको डिटेल में भी देखिए, इसमें लॉन्च भी किया था इसको सर्बानंद सोनोवाल जी ने, इनका नाम भी यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम यही तक रखेंगे। नीचे कुछ आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले कर दिए जा रहे हैं जिनके आंसर्स मोस्टली सही हैं, आप उसको स्क्रीन को पॉज करके जो है देख लीजिए और डिटेल में थोड़ा उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते रहें।